राधे राधे, कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। अहोई अशोका अष्टमी व्रत व पूजन कथा अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिसके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल को कष्ट कोष्ठती अहोई की पुतली भर रंग भर बनाए, उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनावे। श्री सरस्वती अहोई अष्टमी का चित्र लगा के तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता का पूजन करके उसे पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर लोटे को जल भरकर एक पाटे पर कलश की भांति रख कर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माता एक चांदी की अहोई बनाए जिसे शाऊ भी कहते हैं और उसमें चांदी के दाने मोती बनवा ले। जिस प्रकार गले में हार के पेंडल लगा होता है उसी भांति चांदी का अहोई डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर साठियां बनावे और सात दाने गेहूँ लेकर अहोई शाऊ की माला लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई शाऊ की माला को गले में पहन ले और वायना निकाले उसे सासू जी के पांव लगाकर उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करे। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुका कर रख दे। जिसने बेटे हो उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के दो दो दाने अहोई को डालते जावे। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु उसके घर में नित नए मंगल करती रहती हैं। उस दिन पंडितों को पेटा दान करने का विशेष फल को प्राप्त होती हैं। अहोई का उजमन। जिस स्त्री के बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उजमन करना चाहिए। एक थाली में आठ जगह चार चार पुड़िया रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखे, जिसके साथ ही एक पीली साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाल के हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सामान सासू जी को देवे। सासू जी साड़ी तथा रुपये उसने पास रख ले तथा हलवा पूरी का वायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी वायना भेजना चाहिए। विधि। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ पर जल का लोटा रखकर चांदी का शाऊ और गुड़िया रखकर मोली को पोल लेवे। पश्चात रोली चावल के अहोई माता के सहित शाऊ माता का हलवा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। पहली कथा। एक नगर में एक साहूकारनी रहा करती थी, उसके साथ लड़के थे। एक दिन उसे जाकर कुदाली मारी, जो ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को सेही के खून से सना देखा तो उस सेही के बच्चों को मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी कि वह यह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई घर आ गई और उधर सब सेही अपने बच्चे को पास आई तो बच्चों को मेरा मरा देकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और दुराशीष देने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से शैतानी के सातों लड़के एक साल में के अंदर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय के काल में मुंह में चले जाने पर सेठ शैतानी इतने दुखित हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ पर और चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब वह उनके शक्ति और साहस रहा तब तक चलते ही रहे और जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए तब अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर से उसको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत चाहा और वह अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी शैतानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सही के बच्चों को मार दिया है, इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों के दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई देवी के विधि विधान से व्रत आरंभ व प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का पुत्र सुख प्राप्त होगा।
इस प्रकार के आकाशवाणी सुनकर शेर शेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी के स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपिल सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष की परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से शेर शेठानी पुनः सात पुत्र वाले होकर और अगणित पोत्रों के सही संसार के नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए।